नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर ओम पुरी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम पुरी का पूरा नाम ओम प्रकाश पुरी, भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर। इन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ बंगाली, कन्नड़, अंग्रेजी, पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में काम किया। इन्होंने 8 फिल्मों में काम किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में काम किया। इन्हें विश्व सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1990 में भारत का 4वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2004 में इन्हें अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकार बनाया गया। ओम पुरी उन अभिनेताओं में से एक है जो भारतीय सिनेमा के एक कालजयी अभिनेता हैं। उनके अभिनय का हर अंदाज दर्शकों को बहुत प्रभावित करता है। रुपए पर्दे पर जब ओम पुरी का हंसना मुस्कुराना चेहरा दिखाई देता है तो दर्शकों को भी अपनी खुशियों का एहसास होता है। उनके दर्द में दर्शक भी दुखी होते हैं। हिंदी सिनेमा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार दिए गए। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को पंजाब के अंबाला शहर में हुआ। उनके बचपन का अधिकांश समय अंबाला में ही व्यतीत हुआ। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इसके बावजूद परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ओम पुरी का परिवार जिस मकान में रहता था उसके पास एक रेलवे यार्ड था। ओम पुरी को ट्रेन से काफी लगाव था। रात के वक्त वह अक्सर घर से निकलकर रेलवे यार्ड में जाकर किसी भी ट्रेन में सोने चले जाते थे। यही वो वक्त था जब ओम पुरी सोचते थे कि वे बड़े होकर एक रेलवे ड्राइवर बनूंगा। बताया जाता है कि उनके पिता को शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से उनकी माँ उन्हें लेकर पटियाला स्थित अपने मायके सन्नौर चली गई। ओम पुरी ने अपने परिवार की समस्याओं व जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ढाबे पर नौकरी की। कुछ समय बाद ढाबे के मालिक ने उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें नौकरी से हटा दिया। फिर कुछ समय बाद ओम पुरी पंजाब के पटियाला के स्थित गांव सन्नौर में अपने ननिहाल चले गए। वहां प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इस दौरान उनका रुझान अभिनय की ओर हो गया और वे सिनेमा जगत के लिए जागरूक से होने लगे और धीरे धीरे नाटकों में हिस्सा लेने लगे। फिर खालसा कॉलेज में दाखिला लिया। उसी दौरान ओम पुरी एक वकील के यहाँ मुंशी का काम करने लगे। अपने साक्षात्कार में ओम पुरी ने खुद खुलासा किया कि शुरुआती दिनों में वे चंडीगढ़ में वकील के साथ मुंशी थे। एक बार चंडीगढ़ में उनके नाटक की परफॉर्मेंस थी, लेकिन वकील ने उन्हें 3 दिन की छुट्टी देने से मना कर दिया। इस पर ओम पुरी ने कहा, अपनी नौकरी रख ले, मेरा हिसाब कर दे। जब कॉलेज के लड़कों को पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो उन्होंने प्रिंसिपल को बताया। इस पर प्रिंसिपल ने प्रोफेसर से कहा कि कॉलेज में कोई जगह खाली है क्या। इस पर उन्होंने कहा, एक लैब असिस्टेंट की जगह खाली है, लेकिन वो तो आज का स्टूडेंट है, इसे क्या पता साइंस के बारे में। प्रिंसिपल बोले, कोई बात नहीं, लड़के अपने आप कह देंगे, नीली शीशी पकड़ा दे, पीली शीशी पकड़ा दे। इस नौकरी के साथ ही ओम पुरी कॉलेज में रहकर नाटकों में हिस्सा लेने लगे। इसी वजह से उनकी मुलाकात हरपाल और मीना टिवाना से हुई, जिनके सहयोग से वो पंजाब कला मंच नामक नाट्य संस्था से जुड़ गए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक के बाद ओम पुरी ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का कोर्स किया। यहीं पर उनकी मुलाकात नसरुद्दीन शाह से हुई। फिर अभिनेता बनने का सपना लेकर 1976 में वो पुणे फिल्म संस्थान में दाखिला लिया। ओम पुरी का निजी जीवन कई बार विवादों के घेरे में आया। उन्होंने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम था सीमा, किंतु ये दाम्पत्य जीवन अधिक लंबे समय तक नहीं चला और उनका तलाक हो गया। इसके बाद ओम पुरी ने नंदिता से शादी की और नंदिता पुरी से विवाह करने के बाद दोनों दाम्पत्य को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम ईशान है।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय और औपचारिक प्रशिक्षण करने के बाद ओम पुरी ने हिंदी फिल्म की ओर रुख किया। 1976 के फिल्म घासीराम कोतवाल में वे पहली बार दर्शकों से रूबरू हुए। घासीदास कोतवाल की संवेदनशील भूमिका ने अपने अभिनय क्षमता का प्रभावी परिचय ओम पुरी ने दिया और धीरे धीरे वो मुख्य धारा की फिल्मों से अलग समानांतर फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उभरने लगे। वर्ष 1981 में ओम पुरी को फिल्म आक्रोश मिली। आक्रोश में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद फिल्मी दुनिया में उनकी गाड़ी चल निकली। भवनी भवई, स्पर्श, मंडी, आक्रोश और शोक जैसी फिल्मों में ओम पुरी के सदे हुए अभिनय का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोला, किंतु उनके फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई अर्धसत्य। अर्धसत्य में युवा जुझारू और आंदोलनकारी पुलिस अधिकारी की पुलिस ऑफिसर की भूमिका में वे बेहद जचे। धीरे धीरे ओम पुरी समानांतर सिनेमा की एक बड़ी जरूरत बन गए। समानांतर सिनेमा जगत में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने के साथ साथ ओम पुरी ने मुख्य धारा की फिल्मों में भी रुख किया। कभी नायक, कभी खलनायक, तो कभी चरित्र अभिनेता, तो कभी हास्य अभिनेता के रूप में वो दर्शक वर्ग के साथ रूबरू होते रहे और उनकी प्रशंसा का पात्र बनते रहे। नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल के साथ ओम पुरी ने भवनी भवई, अर्धसत्य, मिर्च मसाला, धारावी जैसी फिल्मों में काम किया। ओम पुरी हिंदी फिल्मों में उन गिने चुने अभिनेताओं की सूची में शामिल होते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ द घोस्ट एंड डार्कनेस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने अपने उम्दा अभिनय की छाप छोड़ी। सैम एंड मी, सिटी ऑफ जॉय और चार्ली विल्सन वार जैसी अंग्रेजी फिल्मों समेत उन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। चार्ली विल्स में उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक की भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में मकबूल और देव जैसी गंभीर फिल्मों में अभिनय करने वाले ओम पुरी अपने सशक्त अभिनय के साथ अपनी सशक्त आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। जीवन के कई बसंत देख चुके ओम पुरी ने हिंदी फिल्मों में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। अंतर बस इतना है कि वो नायक या खलनायक नहीं बल्कि चरित्र या हास्य अभिनेता के रूप में हिंदी फिल्मों के दर्शकों को लुभाते रहे। चाची 420, हेरा फेरी, मेरे बाप पहले आप, छुक्की छुक्की और मालामाल वीकली में ओम पुरी हंसी गुदगुदाती भूमिकाओं में तो दिखे। शूट ऑन साइड, मारती, देव, दबंग में चरित्र अभिनेता के रूप में वो दर्शकों के सामने आए। कहा जाता है कि ओम पुरी को पहली फिल्म के मैनाताने में मूंगफली मिली। ओम पुरी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में मराठी फिल्म घासीदास कोतवाल से शुरू हुई। ये फिल्म विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक पर आधारित थी। ओम पुरी का कहना है कि तब उन्हें अच्छे काम के लिए मूंगफलियां मिला करती थी। ओम पुरी ने एक चरित्र अभिनेता के अलावा नेगेटिव किरदार भी निभाए। उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। उन्होंने जाने वे दो यारो जैसे डार्क कॉमेडी से लेकर आज के जमाने के हसोड़े फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म जंगल बुक के लिए एक किरदार को अपनी आवाज भी दी। उनकी आखिरी कॉमर्शियल फिल्म घायल वंस अगेन, उनकी मशहूर आर्ट फिल्म अर्धसत्य, भवनी भवई, मिर्च मसाला, धारावी आदि शामिल है। हेरा फेर, सिंह इज किंग, मेरे बाप पहले आप, बिल्ली जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। इनको मिलने वाले सम्मान और पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार 1981 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता फिल्म आक्रोश के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म आरोहण के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1984 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म अर्धसत्य, पद्मश्री 1990 में मिला, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2009 में मिला। अपने बेजोड़ अभिनय से भारतीय सिनेमा में कभी न मिट सकने वाली पहचान बनाने वाले अभिनेता ओम पुरी का निधन 6 जनवरी 2017 को अंधेरी मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम, दोस्तों इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, सभी फिल्मों के नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं कुछ फिल्मों के नाम आपको बताऊंगा। 2008 में आई मेरे बाप पहले आप, 2008 में आई दिल्ली सिक्स, 2007 को आई इस प्यार को क्या नाम दूं, 2007 को आई शूट ऑन साइड,
2007 में आई, दिल्ली हाइट्स 2007 में आई, फुल इन फाइनल 2006 में, बाबुल 2006 में, चुपके चुपके 2006 में, रंग दे बसंती 2005 में, द हैंगमैन 2005 में, दीवाने हुए पागल 2005 में, क्योंकि 2005 में, किसना 2005 में, द राइजिंग 2004 में, AK-47 2004 में, देव 2004 में, युवा 2004 में, लक्ष्य 2004 में, आन 2003 में, कगार 2003 में, आपको पहले भी कहीं देखा है 2003 में, तेरे प्यार की कसम 2003 में, एक और 11 2003 में, द सी कैप्टन्स पेल 2003 में, चुपके से 2003 में, कोड 46 2003 में, सेकेंड जनरेशन 2002 में, वाइट टिप 2002 में, प्यार दीवाना होता है 2002 में, चो मचाए शोर 2002 में, माँ तुझे सलाम 2002 में, घाव 2002 में, मर्डर 2002 में, क्रांति 2001 में, द मिस्ट्री मिस्यूअर 2001 में, गुरु महागुरु 2001 में, फर्ज 2001 में, दीवानापन 2001 में, बॉलीवुड कॉलिंग 2001 में, द पैरोल ऑफिसर 2001 में, गदर 2000 में, दुल्हन हम ले जाएंगे 2000 में, कुरुक्षेत्र 2000 में, पुकार 2000 में, हे राम 2000 में, बस यारी रखो 2000 में, हेरा फेरी 1999 में, ईस्ट इज ईस्ट 1998 में, चाइना गेट 1998 में, चाची 420 1998 में, विनाशक 1998 में, प्यार तो होना ही था, आस्था जोर गुप्त प्रेम ग्रंथ राम और श्याम कर्तव्य प्रिया चरित्र पतंग टारगेट कृष्णा दोह काल वॉल्फ माया करंट अंगार रात धारावी कर्मयुद्ध इरादा मीना बाजार नरसिंह दिशा मिस्टर योगी हम फरिश्ते नहीं एक ही मकसद गोरा तमस यात्रा जेनेसिस न्यू दिल्ली टाइम्स नासूर सांझी मिर्च मसाला गिद्ध रावण राम की गंगा होली द ज्वेल थीफ इन क्राउन अर्धसत्य डिस्को डांसर चोक आरोह गांधी अलवर पिंटू को घुसा क्यों आता है भवनी भवई स्पर्श आक्रोश 1980 में आई 1979 में आई सांझ को आंच नहीं 1988 में आई अरविंद देसाई की अजीब दास्तान 1977 में आई भूमिका 1976 में आई घासी राम कोतवाल। दोस्तों ओमपुरी के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला ईस्ट पंजाब में भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इन्होंने 1972 से लेकर 2017 तक लगातार काम किया। इनका एक बेटा है। इनकी दो पत्नियां थी, एक सीमा कपूर जिनसे इनका तलाक हो गया, दूसरी इनकी नंदिता पुरी जिनसे इन दोनों को एक बेटा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार मांगरे को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।